भाई देखो मूवी का रिव्यू ना सभी करते हैं, मूवी का हो या कोई सॉन्ग्स का हो या कोई पिक डालता है तो उसका रिव्यू सब भी कोई करता है भाई, सलमान भाई के लेके समझे ना। तो मैं आज कुछ नया करना चाहता हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट करेगा तो ऐसा सा वीडियो मैं आप लोगों के सामने हमेशा रखूँगा। तो मैं आज एक नया ही रिव्यू करूँगा जो कभी किसी ने किया नहीं होगा शायद अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज कुछ हट के करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, खास करके जितने सलमान फ़ैन हैं और हमारे सारे ऑडियंस के लिए भी। तो भाई मैं रिव्यू करूँगा आज स्टार गिल्ड अवार्ड। जी हाँ, ये तो स्टार गिल्ड अवार्ड 2014 की बात करूँगा मैं। ये अवार्ड शो आप शायद नहीं देखे होंगे, अगर आप देखे हैं तो आपको याद भूल गए होंगे। तो आप लोग याददाश्त ताज़ा करने के लिए ये अवार्ड शो देख सकते हैं। इसमें सलमान खान ने ये अवार्ड्स को शो होस्ट किया था। इसमें हर चीज़ आपको मिलेगा देखने को, इंटरेस्टिंग जो बोलते हैं ना भाई, इंटरेस्टिंग 2 घंटा 32 मिनट का ये अवार्ड शो है, लाजवाब है, किसी पिक्चर से कम नहीं है। इंटरटेनमेंट, कॉमेडी, सलमान खान अगर होस्ट करते हैं ना कोई भी अवार्ड शो परफेक्ट रहता है। देखो 2000 से लेके 2020 छोड़ दो 19 तक मैंने हर अवार्ड शो देखी है भाई। कभी आप एक नोटिस करना एक अवार्ड शो में कि अगर सलमान खान जो अवार्ड शो में अगर नहीं है वो अवार्ड शो फीका पड़ जाता है। जी हाँ भाई, जो अवार्ड शो में सलमान खान नहीं है वो अवार्ड शो फीका पड़ जाता है, क्योंकि सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं जो अवार्ड शो में आने के बाद अवार्ड शो का 4 चांद लग जाती है, ऑडियंस का जो देखने का जो सिलसिला रहता है वो बढ़ जाती है। और TRP के मामले में कोई सा भी अवार्ड शो हो या जी सिने अवार्ड या स्टार गिल्ड या कलर्स का अवार्ड शो, कोई सा भी चैनल का अवार्ड शो, उसका TRP बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सलमान खान एक इकलौते ऐसे एक्टर है जो उनको देखने के लिए, उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए वो अवार्ड शो देख लेते हैं पूरी रात जाग के। तो अगर जिस अवार्ड शो में अगर सलमान खान नहीं है वो अवार्ड शो की TRP ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लोग ये अवार्ड शो का जो बैकग्राउंड होता है ना आप निकाल कर चेक कर सकते हो। तो स्टार गिल्ड अवार्ड शो आप लोग ज़रूर देखना भाई, सॉलिड अवार्ड शो है, एक नंबर है। सलमान भाई होस्ट किए हैं, आपको शाहरुख खान उसमें हर एक्टर मिलेंगे, यहाँ तक कि उनके दुश्मन विवेक ओबराय, अभिषेक बच्चन से गले मिलते हैं, वो सब चीज़ मिलेगा आपको। अमिताभ बच्चन के, सलीम खान उनके फादर मिलेंगे, मतलब कि एकदम इंटरेस्टिंग है भाई अवार्ड शो। सलमान खान जो होस्ट किया ना, एक नंबर के। देखो सलमान खान होस्ट करने में माहिर है, इसलिए तो आज बिग बॉस नंबर वन स्थान पर चलता है सलमान खान की वजह से। तो अगर आप लोग ये होस्ट ये स्टार गिल्ड अवार्ड नहीं देखे हो भाई लोग तो आप फटाफट देखो, समझे ना भाई। तो बस भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।